गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर पीआरटी वर्क। टुडे वी विल डिस्कस इट्स लेसन नंबर 14, द सिल्वर ट्रे। तो आज हम बेटा इसको स्टार्ट करेंगे, सिल्वर ट्रे को। हमने जैसे कि पास्ट की फॉर्म को शुरू किया हुआ है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट नंबर 1 है, जो इन लेसन 17 द सिल्वर ट्रे, गीता वेंट टू द फॉरेस्ट द नेक्स्ट डे टू थैंक द ओल्ड वुमेन फॉर द सिल्वर ट्रे। दिस टाइम द ओल्ड वुमेन गेव हर अ बैग ऑफ वर्ड्स, हेल्प गीता टू मैच ईच वर्ड विद इट्स पास्ट टेंस। तो ये जब उसको सिल्वर ट्रे मिली थी, जब गीता उसको थैंक यू करने के लिए वापस जाती हैं, तो अब ये ओल्ड वुमेन क्या करती है, बैग ऑफ वर्ड्स उसको दे देती हैं। तो उसमें क्या करना है आपने, कि आपने प्रेजेंट को पास्ट के साथ क्या करना है बेटा, मैच करना है। तो अब हम कैसे करेंगे इसे देखिए। आप ये लिखिए, नंबर 1 वर्कशीट है, तो हम इसको मैच करेंगे। इसमें दिया है गो सी कम रन गिव एंड फॉल से। अब दूसरी साइड आपको क्या है बेटा, पास की फॉर्म दी हुई है, इसको पास की फॉर्म को लिखेंगे। यहां पर दिया है केम गेव फेल सेड वेंट सा एंड रॉक वेंट फॉर। तो अब इसमें एक आपको दिया हुआ है गो को वेंट के साथ मैचिंग करके दी हुई है, और अब आपको पास के फॉर्म सारे लर्न होने चाहिए ताकि आपको ये इजी रहे मैच करने में। जैसे सी, सी का क्या आएगा सा, हमें इसको इस तरह मैच कर देना है। कम के रन रैन गिव गे फॉल फेल और लास्ट से का क्या आएगा बेटा सेट। तो हमारे ये यहाँ पे इसको हमने मैचिंग करनी है, आपको ये खुद से लर्न होना चाहिए। इसमें हमें बहुत ही इजी पैटर्न था ये। अब हम इसके साथ दूसरा स्टार्ट करेंगे पैटर्न इसका। ये देखिए वर्कशीट नंबर 2, ये मैं आपको वर्बल बता रही हूँ, इसमें आपने फिल करना है। वर्क विद योर पार्टनर फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपने ये रट्टा नहीं लगा लेना कि हाँ पास्ट की फॉर्म है तो फॉर्म पास्ट की फॉर्म हम फिल कर देते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पास्ट की फॉर्म कब यूज होती है। अगर हमारे यहाँ पर सिंगुलर है, तो अगर यहाँ पे ये जैसे क्राई दिया हुआ, अगर इसके पीछे एस होगा तभी ये क्राइज वाला, यहाँ पे सी आर आई ई एस होता तो हम यहाँ पे क्राइज फिल कर सकते थे। पर द बेबी सिंगुलर है तो इसलिए क्राई नहीं आ सकता। इट मीन्स हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब की क्या आएगी, पास्ट की फॉर्म आएगी। द बेबी डैश लाउडली क्राई और क्राई, तो हमारी ये फॉर्म क्या आएगी क्राई। उसके बाद द क्रो डैश द वाटर एंड फ्लू अवे ड्रिंक और ड्रैंक, यहाँ भी क्रो सिंगुलर है तो अगर ड्रिंक्स होता तो हम यहाँ पे फिल कर सकते थे, पर अब हम क्या करेंगे ड्रैंक। उसके बाद द बॉय डैश द बुक ऑन द टेबल कीप और कैप्ट, क्या आएगा यहाँ पर कैप्ट। हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि कैसे हम इसको प्रेजेंट को और पास्ट को फिल कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज आपने खुद से कर लेनी है। और उसके बाद वर्कशीट नंबर 3 है, सपोज यू गेट अ सिल्वर ट्रे, वट वुड यू आस्क द सिल्वर ट्रे टू डू फॉर यू। अगर मान लो आपको कोई सिल्वर ट्रे मिलती तो आप क्या करते, उससे क्या क्या विश कंप्लीट करवाते। तो आपने अपनी विश मांग लेनी है, यहाँ पर लिखना है कि आप क्या चाहते हैं, कि आप क्या उससे करवाना चाहते हैं, कि उसे खाना लेना चाहेंगे। आप लोग तो पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें लेना चाहोगे, पर कुछ अच्छी सोच के आपने लिखना है कि आप वहाँ से उनसे क्या लेना चाहोगे। तो आज आपने ये लेसन नंबर जो 14 है, इसकी ये एक्सरसाइज को मैच करना है, इसके बाद इसमें इसको फिल करना है, और इसके यहाँ पर 3 विशेज़ को कम्प्लीट करना है। तो इससे ही आपका लेसन कम्प्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।